स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासिक मोटर्स पे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो देखो भाई, आज हमारे सामने ऑल न्यू KTM ड्यूक 200। तो सबसे पहले देखो भाई, अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो। इतनी सारी वीडियोज भी आने वाली है बाइक्स कार सारी की सारी, ठीक है। बाकी जिसको भी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस जाननी है अपनी सिटी की, वो अपना कॉमेंट में नाम बताओ सिटी का, मैं आपको उसकी ऑन रोड प्राइस बताऊंगा कॉमेंट के अंदर। तो सबसे पहले चलो बाहर से वॉक अराउंड देता हूँ, इंजन वगैरह की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बाकी डिटेल्स में दिखाऊंगा मैं आपको, लाइट्स वगैरह, बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें। चलो तो सबसे पहले आपको इसके अंदर 199.5 सीसी का इंजन देखने को मिलने वाला है, 24.67 bhp पावर और 19.3 Nm टॉर्क आपको देखने को मिलने वाली है। और बात करें तो इसके अंदर 6-speed मैनुअल गियर शिफ्ट मिलने वाला है, 1 down 5 up, समझ रहे हो भाई, एक सिलेंडर ही मिलता है ऑब्वियसली। टॉप स्पीड इसकी कंपनी 140 की क्लेम करती है और माइलेज देखो भाई 35 से लेके 40 तक की क्लेम होती है, लेकिन भाई देख लो 35 तक मिल जाती है आपको, ठीक है। और बाकी चीज़ें चलो अब डिटेल्स में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती है, टायर्स वगैरह सब कुछ हमें देखने वाले हैं। बाकी इसके अंदर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। कूलिंग सिस्टम आपको पता ही होता है सब बाइकों में आता है जो 200 cc से ज़्यादा होती है, और ऑब्वियसली BS6 इंजन ही देखने को मिलने वाला है। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है सारी की सारी बाइक के अंदर। सबसे पहले आपको आगे की ओर LED DRL लाइट्स मिलती है, और LED लाइट्स भी मिल जाती है आपको, देखो ऑन करके दिखाता हूँ मैं, कुछ इस तरह की लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी हो जाती है भाई, क्योंकि आजकल सारी बाइकों के अंदर आती है, और लुक वगैरह तो भाई वही अच्छी खासी पुरानी वाली है ही। कुछ इस तरह की आपको साइड लाइट भी वगैरह देखने को मिल जाती है। तो टायर साइज़ की बात करता हूँ तो सबसे पहले 70 inch के आपको टायर्स देखने को मिलने वाले हैं। फ्रंट टायर साइज़ की बात करो 1/1 10 70 70 inch के टायर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी डिस्क वगैरह तो आपको देखने को मिलती है सारी की सारी बाइक के अंदर, और काफ़ी अच्छा खासा मतलब बाइक तो है लेकिन लोगों ने बदनाम किया हुआ है भाई ऐसे ही। यहाँ पे 200 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, KTM की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और देख लो एक कूलिंग सिस्टम वगैरह यहाँ पे लगी हुई, और ये बिल्कुल रेसिंग वाला भाई इंजन आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा है, मतलब भाई चलाने में तो अच्छी है, पहले से अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बाकी देख लो कुछ इस तरह से भाई पूरी की पूरी वही सिस्टम मिलती है, लेकिन अभी सस्पेंशन वगैरह काफ़ी अच्छे हो चुके हैं पहले से भी ज़्यादा, और ये देखो भाई हार्ड है थोड़ा, और ये सीट वगैरह पहले से ज़्यादा बड़ी कर दी है। तो पहले देख लो यहाँ पे कुछ इस तरह की फ्यूल टैंक वगैरह देखने को मिल जाती है जो है 13.4 लीटर्स की, जो काफ़ी अच्छी मतलब नेक बाइक है तो काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और यहाँ पे बात करता हूँ मैं अब डिस्प्ले की, भाई इसके अंदर डिस्प्ले भी आती है आपको, काफ़ी ज़्यादा फंक्शन वगैरह मिल जाते हैं बाइक के अंदर। सबसे पहले कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे देख लो भाई सारी की सारी सिस्टम लगी हुई है, और यहाँ से कुछ आप कंट्रोल करके चेंज कर सकते हो, सॉरी थोड़ा फोकस हट चुका है। तो भाई ये देख लो यहाँ पे ABS वगैरह सारा का सारा दिखा रहा है, ट्रिप वगैरह जो भी कुछ आपको चाहिए बाइक के अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये बाइक आपको देती है, सारे मोड आप यहाँ से कंट्रोल करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सीट वगैरह मैंने आपको बोला कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ी और कंफर्टेबल लगती है, पीछे भी ज़्यादा बड़ी सीट हो चुकी है पहले से। तो पीछे के टायर की बात करो तो 150/60 70 inch के आपको टायर देखने को मिलने वाले हैं, और कोई डिस्क वगैरह मिलने वाली है पीछे की, और भी मड गार्ड वगैरह मिल जाता है, और टेलर के डिज़ाइन देख सकते हो कुछ इस तरह की टेलर की लुक वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, वो भी LED के अंदर ही आपको देखने को मिलती है, लेकिन वो भी काफ़ी स्पॉट डिज़ाइन में है। पीछे की ओर हैंडल्स वगैरह मिल जाते हैं, और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है भाई पहले से ही। बाकी आपको कैसी लगती है KTM वो कमेंट में ज़रूर देना, सारी गाड़ी वगैरह सारी बाइक के अंदर मिलता है। देखो इसकी आपको ड्राइव रिव्यू चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा, टेस्ट ड्राइव लेके, ठीक है, और बताऊँगा कैसी है चलाने वगैरह हमें भी। और बाकी ये सारी सारी बाइक की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब करके देख लो भाई और वीडियोज़ को भी। चलो अब मैं आपको मेन इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ जिसके लिए आपने इतना वेट भी किया होगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर देना, मिलते हैं ऐसी के साथ में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत और जय श्री राम आप सभी को।